लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। महंगाई का भाई भ्रष्टाचार, गरीबों का खाए लगा के आचार, गरीबों का देखो भूखा पेट, तकिया लगा के लेटे से नीचे की कमाई देखो छा गई छा गई छा गई छा गई रे। लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। ऑफिस में देखो फाइले ढेर, बाबू से ना लेना तुम तो बैर। ऑफिस में देखो फाइले ढेर, बाबू से ना लेना तुम तो बैर। नेता भी अब तो लेता है, पीए भी चुप चुप रहता है, आंखों में इनके बोला पन, बंद कमरे में ये लूटे तन। काली कमाई पे सफेद चादर छा गई छा गई छा गई रे। काली कमाई पे सफेद चादर छा गई छा गई छा गई रे। लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। लोटा घुमा के सोटा नचा के महंगाई सुरसा आ गई रे। बन जाए चमालो। अरे का हो गया, का हुआ? अरे बाप रे, फोड़ डाला, तोड़ डाला, साइकिल डाला, पूरा बर्बाद करके रख दिया। अरे उससे क्या पूछ रही है, हमसे पूछ। छाती पे चढ़ाए पड़ा थे साइकिल ससुरी। अरे ब्रेक नहीं लगा तो मैं क्या करूँ, अगर मोटरसाइकिल नहीं दिला गए तो मैं सौदा वौदा लेने नहीं जाऊंगा। देंगे एक सौदा वौदा नहीं जाएंगे। अरे ले दो ना, एक ही तो लड़का है। अरे ले दो ना, एक ही तो लड़का है। तय तो ऐसे रही है जैसे दो चार पैसे में आता है। लाई थी मैं कैसे, माइके से लाए थे ये साइकिल, तभी तो घसीट रहे अभी तक। हाँ तो बस अब मोटरसाइकिल भी पतोहू लाएगी। हाँ ब्याह करोगे तब ना आएगी पतोहू, पैदा करने से कोई बाप नहीं हो जाता। हाँ तो हमें कोई अकेला पैदा नहीं किया है। और देख ज्यादा पकड़ पकड़ मत कर, जा अंदर काम कर। अबे उठ साले, गोदी पे चिपके पड़ रहा है, साइकिल उठा वहाँ रख। हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे पकड़ पकड़ करने का, चल बिटुआ। अरे चल बिटुआ, हमें भी नहीं है शौक, ससुरा बस बैठ जाएंगे। और तू चल अंदर चल। अरे ना पगला गया है बुढ़ो, पता नहीं क्या करते रहते हैं, काम वाम तो कुछ ही नहीं है, खाली घूमते रहेंगे बस। पानी भी एक एक गंजी ला के रखा है, अब हम भैंस को का नहलाएंगे इसमें। अबे ठीक से रख, अभी तक के नहीं रखा है, मारे का पटक दे फोटने पे, चल अंदर। अरे मेरी कजरी मेरी प्यारी, आज बहुत देर भाई उठने में, आज हम तुमको ऐसे स्नान कराएंगे कि दिल खुश हो जाएगा ना लो। अरे पुन्नू भैया, अरे पुन्नू भैया। अरे का है? ले लो, तुम इधर भैंसिया को हना रहे और उधर राम खिलावन की भैंसिया जो है भाग गई है, खूटे से ढीले नहीं बांधा था बराबर। अरे किसके साथ भाग गई? अरे कहाँ कहाँ किसके साथ, कैसे भागेगी भैंसा बताओ। अरे भैया फूटे से ढीले नहीं बांधा था बराबर, सो भाग गई। इसीलिए भैया हम अपन भैंसी है ना जो ढील नहीं करते हैं हमार कजरी को। अरे कितना बढ़िया कर रहे हो, तो हम देखे रहे, बहुत बढ़िया कर रहे। अच्छा ये बताओ गुनिया भाभी को भी भीतर खूटे से बांधे रखा है का? अरे बोलो, चाय शाय पिलाए खिलाए पिलाए, हमारी तबीयत बनाए। अरे सुनो अब तुम आ गए हो ना तो हम भी एक चाय पी लेंगे। अरे गुनिया दूठो बढ़िया से चाय बना। अरे भाऊजी अबे तो बकरिया पाल लिया है, मलाई मार के चाय पिलाना जबरदस्त। बको बंसी भैया कुछ तरक्की का आइडिया बताओ, सलाह दो जिस पे आगे बढ़े। आए अब बताओ, डेढ़ बीघा जमीन में का कर लेंगे, का कमाएंगे, का खाएंगे, क्या बचाएंगे? और रात दिन दिन रात तो एक गुनिया के चेचे पेपे में लगे रहते हैं, चैन से नहीं रहने देती है, सोचो भाई कुछ। अरे मुंह में का ऐसा 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 कर रहे हो, अरे सोचो भैया जल्दी। अरे ये उंगली चलेगा तबे तो दिमाग चलेगा। हाँ। सोच रहे हैं हम, दिमाग ऐसे नहीं खर्चा होता है, सोचना पड़ता है। हाथ तो तुम सही कह रहे हो। हाँ।
पहले देकर एक के रास्ता है तुम्हें। बताओ भैया का है? हमारी सलाह यही है कुन्नू भैया, तुम जो है कुआ खुदवाए लो। हाँ, इससे होगा यूँ, सिंचाई भी हो जाएगी और फसल की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। का है भैया? तो बात तो सही है, लेकिन आजकल कुआं खोदवाता कौन है? सब तो पंप ही करवाते हैं, मोटर पंप। बोरवेल? हाँ, बोरवेल। अच्छा है, तो तुम भी लगा लो बोरवेल। ऐसे? अब और बटान सलाद तो मत ही दो इन्हें। हाँ, पहले ढलुआ का ब्याह, उसके बाद सब। ये बस एक ही चीज पे अड़ी है, ढलुआ का ब्याह, ढलुआ का ब्याह। अरे भाई, ढलवा के ब्याह कराने के लिए पैसा है गांठ में? फोकट पैसा नहीं हो उधार ले लो ना। ले लो, उधार ले। बिना पैसे के ढलवा का ब्याह नहीं होगा क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। अरे भौजी, भौजी, अरे रुक जा भौजी, ठीक है कह रही है मतलब। अरे क्या ठीक है कह रही है भौजी? अरे ये बड़ा चकल्लस बाज है, समझते नहीं हो भैया? अरे हमको तो समझे नहीं आता कि अब क्या करे। अरे भैया, आज से 30 साल पहले जैसे हमारे बाप रहे, वैसे ही आज हम हैं। एक पैसे की तरक्की नहीं हुई है ससुरी। हाँ, समझ गए। अब भैया पुन्नू, अगर तरक्की करना है तो एक के रास्ता है। वो क्या? वो है कुआ खुदवाए लो, लोन लेके पास। का कह रहे हैं भैया? कुआ के लिए लोन? का मिल जाएगा? अरे काहे नहीं मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। देखो, हाँ लोन लेंगे, लेकिन हाँ हाँ एक जो बात है, लोन मिल जाएगा लेकिन ढलवा का ब्याह देखे हो ना कैसे अड़ी है। अरे पुन्नू भैया, कुआ भी खुद जाएगा, ढलवा का ब्याह भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे सुनो, ध्यान से सुनो। बैंक से 1 लाख का लोन लेंगे। अच्छा, क्या लाख का? 1 लाख का। 1 लाख का लोन लेंगे, 50,000 जो है कुआ खुदवाने में जाएगा, बचा 50,000 ढलवा के ब्याह के लिए। इससे होगा यूँ कि कुआ भी खुद जाएगा और डुलवा का ब्याह भी हो जाएगा, डुलवा की लुगाई भी आ जाएगी। का है? अरे भैया, तो बस दिलवा दो हमें लोन और ढलवा के ब्याह करा दो, बस बस। और हमारी गुनिया से पहले जैसे प्यार से रहे, वैसे ही हमारा घर प्यार से रहे, बस यही चाहे। अरे समझो कि लोन मिल गया, मिल गया। कल ही जाएंगे मैनेजर साहब से मिलेंगे। हाँ, और देखो वहाँ कैसे ऐसे 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 दिलाते हैं तुमको लोन, बहुत चपर चपर करते हो। हाँ चलो संभल के। हाँ देखो यही है मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आओ बंसी, कहो कैसे आना हुआ? अरे साहब, पूछ रहा लोन के सिलसिले में आए थे। अच्छा? लोन करवाना था। बैठो, तुम हो तो लोन हो ही जाएगा। कहो किसका लोन करवाना है साहब? अपने गाँव का है। अच्छा। लगे का है, बस समझ लो कि बहुत है खास। हाँ, बैठो, बैठो, बैठो। किस काम के लिए लोन चाहिए? भालू के ब्याह के लिए। भालू के ब्याह के लिए? अरे साहब, आप तो सीधा जंगल है पहुंच गए। भालू नहीं, ढालू, ढालू इसका लड़का, और वो भी एक लौता। उम्र ज्यादा नहीं है पर गुनिया दम कर रखा है। गुनिया? गुनिया? गुनिया इसकी दुनिया, अरे इसकी औरत, और वो भी एक लौती है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हम शादी ब्याह के लिए लोन नहीं दे सकते, और किसी काम के लिए हो तो बोलो। किसी और काम के लिए? मतलब जैसे किस काम के लिए? बंसी भैया, हमें शादी करनी है। शादी ब्याह के लिए नहीं देते भैया। अरे हाँ पुन्नू भैया, इसको तो कुआं भी खुदवाना है। हाँ, कुआं खोदने के लिए दे सकते हैं। बंसी भैया, हमें पहले ढलवा का ब्याह करना है। पुन्नू भैया, तुम तो चुपा जाओ, बस समझे नहीं रहो। हाँ तो मैनेजर साहब, कुआ खुदवाने के लिए तो लोन मिल ही जाएगा ना? मिलने को क्या नहीं मिल सकता है बंशीलाल जी, लेकिन जब हम चाहेंगे तब। ठीक तो, है आप चाह लीजिए। चाह ले? हाँ चाह ले। तो चाह लिया जा। पुन्नू भैया, आप चाह रहे तो हम जा रहे हैं। चलो, मैनेजर साहब बावरा आ गया हमारे खुशी के। आ गए फिर पीके, ये नहीं कि बुआई के लिए बीज का इंतजाम करे। ए, तू कुछ समझती नहीं है, तू बैठ आराम से, समझ गई? अभी कुछ नहीं होने वाला है। हमारी बात सुन, जब नाक का बंद करती है
पहले हम बैंक से लेंगे लोन, उसके बाद करेंगे डलवा का ब्याह, समझ गई ना? उसके बाद में हम करेंगे चर्चा खेती बाड़ी की, अभी टेंशन ना मत, अभी समझ गए ना? क्या है बुढ़ा, कुछ नहीं है, जब देखो पी पा के आ जाते परेशान कर देते हैं। क्या कर रहे हो? सो जाओ। ऋण पुस्तिका तो ठीक है, खसरा, अरे ये तो पिछले साल का खसरा है बंशी भैया। मैनेजर साहब जो कुछ है यही है, बस देख लो। अरे लेटेस्ट खसरा चाहिए, प्रामाणिक नकल, समझे? भैया चलो चलते हैं, पटवारी को धरते हैं, चलो चलो उठाओ, धरो जल्दी, चलो मैनेजर साहब आते हैं, चलो। सब ऐसा ना हो भैया लोन कुआं में ही लगाना पड़े। हाँ बात करते हो, देखो कुआं का जो लोन का जो पैसा आएगा वो जाएगा ढोलवा की ब्याह के खाते। हाँ मजे से ढोलवा का ब्याह करो। और कुआं? कुआं जाए भाड़ में। कुआं कैसे भाड़ में जा सकता है? अरे पुन्नु भैया ज्यादा चिचवाओ जिन, चलो सीधे। मैनेजर साहब ये रही खसरे की नकल। हाँ। फोटो? फोटो ठीक है लाते हैं फोटो, चलो पुन्नू भैया चलो खिंचाते हैं फोटो, चलो। साहब फोटो बंशी भैया, तुम्हारे पुरनैया भैया का लोन उनके खाते में जमा हो गया। ए कहाँ गए थे रे? रेस करने। रेस करने? हाँ अरे जैसी वाले ने कहा था ना मोटरसाइकिल खूब घुमा लेना। अरे घुमा लेना, ससुरी पूरा पेट्रोल तो फूके जा रहा है। अरे कौन फूक रहा है पापा पेट्रोल? कॉलेज का भी पता किया है, कब है एडमिशन? अरे रोज जाता हूँ पता लगा रहे, आप फिक्र मत करिए। चुप बे, हम कहाँ फिक्र कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, चमकाते रहता है। ये टुकुर टुकुर कहाँ देख रहे हो? ये लो तुम्हारी चिट्ठी। हमारी चिट्ठी? हाँ पुरनिया राम एक ही है ना इस गांव में। बंसी भैया, ए बंसी भैया, अरे बाहर तो आओ, सुनो। अरे पुन्नू भैया कहाँ हड़कंप मचाए हो? हाँ पुन्नू भैया बोलो क्या हुआ? अरे पुन्नू भैया काहे इतना हाँप रहे, कहा भगा बताओ। अरे ये देखो। कहा देखे? अरे नोटिस। अरे बैंक का नोटिस है ना। तुम्हें कैसे पता? अरे हमको सब कुछ पता है, बैंक से लोन लिए हो तो बैंक तो नोटिस भेजेगी। देखो ऐसा है पुन्नू भैया कि तुम्हारा और बैंक का रिश्ता जो है चोली दामन का होगा। क्या? चोली दामन का रिश्ता, एल मेल हो गया है तुम्हारा। अब ऐसा ही चिट्ठी आता रहेगा तुमको बार बार, समझे हो? अरे क्या कह रहे हो? अरे भेजती रहेगी ऐसी नोटिस। और सुनो घबराओ जिन, बैंक से लोन लिया है, बैंक का काम है तुमको नोटिस भेजना, तुम्हारा काम है पैसे देना, और पैसे तुम्हारे पास है नहीं, नहीं है। बस नोटिस आता रहेगा। तो अब क्या करें? करेंगे का? ये ज्यादा सोचो नहीं पुन्नू भैया, इसको जो है मिर्ची कितने पकड़ मिर्ची दो कितने सोचो नहीं। इससे और एक टुकड़ा होएगा, टुकड़ा टुकड़ा कागज का, मिसिकते हो फेंको मारो निशाना, दूर फेंक दा। बस अब घबराओ जी, निश्चिंत रहो भैया। तुम संभाल तो लोगे ना?
अब कर दी ना छोटी बात, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे हमें तो संभाल रहे सब कुछ, तब ऐसे पूरा गांव को हमें तो संभाल रहे अकेले, तुमको नहीं संभालेंगे। अब तुम हो तो हमको चिंता काहे की। तो फिर ठीक है, जाओ जाओ आराम से, अब क्या करें, जाओ 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 जाओ। हाँ भैया, अरे जाओ काम करो और चिंता चिन करो। ये लो पुरानिया भैया, आपके पिछले महीने के पैसे। बहुत अच्छा भैया, पैसा दे दिया है। जय राम जी, जय राम जी। हम कल दूध पहुंचा देंगे, फिकर मत करना। अरे गुनिया सुन, आज एक और ग्राहक मिल गई। कौन? अरे वो है ना राम भजन की औरत, वो। अच्छा, कितना किलो लेंगी? एक किलो लेगी। और सुन गुनिया, हमें आज से पैसा इकट्ठा करना है, समझ गई? वैसे भी बैंक से एक नोटिस आ चुकी है, अब हो सकता है दोबारा नोटिस आए तो पैसा ही देना ही पड़े, इसलिए तुम्हें आज से एक लीटर दूध से ही घर चलाना पड़ेगा। अरे एक किलो से कैसे काम चलेगा, ठलुआ कहाँ पिएगा? ओहो ठलुआ, तुम तो परेशान करके रखती हो, ढलुआ ढलुआ। अरे पी तो रहा है पेट्रोल, है जब देखो तब पैसा मांगते रहता है और तुम निकाल निकाल के देते रहती हो। सोची है दिमाग में कि कहाँ से पैसा आता है? खाली पैसा पैसा, और कहाँ है वो दोनों? दोनों गए हैं घुमरा मारने। घुमरा मारने गए? चलो आओ। अरे खा ले जा रहे? अरे भाजी काटेंगे, चलो अंदर। क्या कर रहे? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, ढलू आ जाएगा, क्या कर रहे हो? अकेले कर लोगे का सारा काम, एक मजदूर लगवा लेते। अरे मजदूर आदमी क्या मजदूर लगाएगा, हैं? अरे का लाए? लाए हैं रोटी सब्जी, और का लाएंगे? बहुत लेट लाई है लेकिन आज। का करे, बहुते काम है। क्या देख रही है? कुआं खुदवा लेते तो अच्छा था, कम से कम दूसरों के यहां से पानी लेने का पैसा तो ना देना पड़ता। अब अकल आ रही है? पहले हम कहे तब तो कई की तरह आ रही थी जिद में कि नहीं ढलवा के ब्याह कराना है, ब्याह कराना है। क्या मिला ढलवा का ब्याह करा के? खर्चा बढ़ गया ऊपर से, सोचे थे कॉलेज पढ़ के कुछ बन जाएगा, कम से कम चपरासी तो बन जाता, हालत सुधर जाती घर की, लेकिन नहीं। तू जा, हम काम निपटा के आते हैं। पहले खा लो पहले। अरे खा लेंगे भाई, जाओ आप, ये काम भी है बहुत निपटाना है। अरे पुरनिया राम, ये लो आ गई दूसरी चिट्ठी। है दूसरी? अरे क्या? अरे गुनिया हम आते हैं देखना घर में। अरे बंसी भैया, फिर आ गया भैया। नोटिस? बापूजी, अरे बापूजी मुनिया को संभालो, चला हम आवत है, चलो हाँ हम ही निपटाएंगे, ठीक है? तुम ही तो भैया। मुनिया की अम्मा खाना नहीं बना रहा, पुन्नू भैया खिला देगा बाहर। अरे बंसी भैया, हम सोचे थे तुम याद दिलाओगे। अरे पुन्नू भैया कैसे बात कर रहे हो, लोन तुम लिए हो और याद हम दिलाएंगे। अरे भैया अब का होगा? भैया जौन होई तो होई, देखा जाए। अरे हमरे पास तो पैसा भी नहीं है, अगर देने को कहे तो कहाँ से देंगे, कहाँ से पाएंगे भाई बताओ अब, है? अरे पूरा सपना चकनाचूर हो गया बंसी भैया।
काहे का चकना चूर हो गया, ब्याह तो ढलवा का हो ही गया ना। अरे यही तो गलती किया बंसी भैया, ब्याह कर दिया। हम सोचे थे ससुरी कुछ पढ़ लेगा, कुछ बन जाएगा। दहेजार दिन भर जोरू के पीछे लगे रहते हैं, जब देखो यहाँ से वहाँ। अरे पुन्नू भैया ज्यादा पकड़ पकड़ चिन्ह करो, समझे, चढ़ाई जो है निकल चुकी है। अब पकड़ो हैंडल और मारो पैंडल, चलो। अरे बैठने तो दो, काहे तक छटपटा रहे हो, चलो। अरे जब से लोन के चक्कर में पड़े पैदल ही मार रहे बंसी भैया। क्या सोचा था, बैंक का पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा? अरे साल भर में एक भी किस्त जमा नहीं किए। अब का बताए साहब, शादी में सगले पैसा चुक गया। तो तुमने लड़के का ब्याह कर दिया? हाँ हाँ। कुआं नहीं खुदवाया? गुनिया की जीत थी। हाँ। अब कुआं के खातिर बाद में लोन ले लेना। अरे मरवा दिया यार। अरे साहब खुद जाएगा कुआं, अब बेफिक्र रहिए। हाँ बंशी, मैंने तुम्हारे कारण इसे लोन दिया था। सो तो है, एक भी किस्त जमा नहीं किए, जेल जाएगा जेल। जेल साहब ऐसा जुलूम मत कीजिए साहब, गरीब आदमी बेचारा मर जाएगा जेल जाके, आपका एक एक पैसा पाई पाई जमा करेगा। साहब आप निश्चिंत रहिए, करोगे ना पुन्नू भैया? बस सर साहब आप खाली ये बताइए अब तलक का कितना हिसाब किताब हुआ है, कितना जमा कर, ये बताइए। एक सच में 2 मिनट ले लो साहब, जल्दी बता दो। 172,000 रुपए। एक लाख बहत्तर हजार अरे बरगर, एक साल का इतना पैसा? अरे ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगेगा ना। चलो चलो पुन्नू भैया चलते हैं, चलो। अरे बंसी भैया हम तो गुनिया चक्कर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए यार, अब क्या होगा? अरे पैसा जमा करना पड़ेगा तुमको बंसी भैया। एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी, समझ में नहीं आ रहा है 172,000 रुपया कहां से पैदा करे, समझ में नहीं आ रहा है। लगता है अब जेल जाना ही पड़ेगा बंसी भैया। कह दिया मैनेजर साहब ने हमें जेल जाने से बचा लो बंसी भैया, अगर हम जेल चले जाए तो गुनिया का क्या होगा? अरे हम आए ना। अरे अरे माने हम गुनिया भाऊजी का देखभाल करेंगे, अब टेंशन आते का है। हाँ वो तो है, चिंता जिन करो भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सोचो भैया। मुझे नहीं आ रहा है क्या, दिमागे काम नहीं कर रहा है। सुनो भैया, ओले चलते हैं। ओले? हाँ। अरे कहाँ जेब देख रहे हो बार बार, ज्यादा कंजूसाव नहीं? कंजूसाव नहीं रहे, कंजूसाव नहीं, चलो चलो। अरे चलो पुन्नू भैया, चलो भाई। इतना डरा है तो थोड़ा और डरते हो। अरे साइकिलिया तो उठाने दो भैया, कहा है इतना फटफटा रहे हो, पकड़ो हैंडल मारो पैंडल और चलो। और क्या है, बंसी भैया कुछ दिमाग चला? चल गया। क्या क्या चला? ये जो लोन होता है, अच्छा भैंसिया का लोन, हाँ हाँ, उसका जो है भैंसिया मर जाती है तो उसका लोन जो है बीमा कंपनी भरती है। अच्छा तो क्या कुआं को मारना पड़ेगा? कलोटिया जो है तुमको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, समझे हो? मार देंगे। मारेंगे काहे, हम दिखाएंगे चोरी हो गया, कुआं चोरी हो गया।
चोरी कुआं चोरी? अच्छा ये कैसे हो सकता है भैया? अब होने को क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता। दिखा दे कैसे। चलो कहाँ चलना है? चीयर्स। चीयर्स। कई घोट में चलो थाने चलते रपट लिखते सब चलते पुलिस संभालो। अरे संभल के फोन किसका बज रहा था? उठाता क्यों नहीं? फोन बजता रहता है। नजर लागे राज तोरे टकले पर, नजर लागे राज तोरे टकले पर, नजर लागे। नीचे जूते सब। जय राम जी की। जय राम जी की। क्या बात है? सब सब का बता, चोरी हो गया साहब। किसके यहाँ चोरी हुई? मेरे यहाँ। इसके यहाँ? हाँ। हंसे जा रहे? अबे साले शकल से ही चोर दिखता है। दिखते हो, दिखते। और तू बोल रहा है कि तेरे यहाँ चोरी हुई? हाँ साहब। क्या नाम है तेरा? बता देना। हमारा नाम? हम बताओ, तुम्हारी से पूछ रहे, बताओ। पुरानिया राम। क्या चोरी गया तेरे यहाँ? देखो इनको। साहब कुआ चोरी हो गया। कुआ? अरे बस कुआ पानी निकल गया। कुआ चोरी हो गया। अबे साले पुलिस को बेवकूफ समझते हो? कुआ चोरी चला गया साले। अभी है ना, चार डंडे लगाऊंगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दारू कुट्टा साहब, साहब गरीब आदमी है साहब, काहे मार मरमरा जाएगा। ऐसा ही पूरी देह चरमरा गई है साहब। मारो नहीं साहब, बस एक कई बिनती है आपसे, आपस जल्दी से रपट लिख दो साहब। बस बस साले कुआं कैसे चोरी हो सकता है बे साहब? होने को तो कुछ हो सकता, सकता, सकता है, हो सकता है, हम हो सकता है, तुम हो सकता है, पूरा दुनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोन लिया है। भगवान साक्षात अंतर्यामी है, भगवान है। और पटाया नहीं? एकदम साक्षात भगवान है। धन्य हो। दूर खड़े होके बात करो। इधर क्यों रे? कुआं चोरी की रिपोर्ट लिखाने आया तू? हाँ। कुआं खुदवाया भी था तुमने? साहब खुदवाए थे, हम ही खोदे थे, हम ही जोरू भी खोदे थे। बताओ ना बंदी भैया। डलवा डलवा के जोरू। कोई सबूत है तुम्हारे पास कुआं खोदने का? है ना? है? है? चलो तो लेके आओ। सबूत लेके आओ, पुख्ता सबूत लेके आना। क्या हम चलो सबूत लाते हैं? लेकिन पहले बूट लाते हैं। पहले बूट लेंगे फिर सबूत लाएं। सबूत के साथ आना। अब तो FIR लिखेंगे। Thank you.
पुन्नु भैया हाँ। ना काम एक आदमी गांव का बचा नहीं है हाँ। सब मनई का सही हो गया सही हो गए हाँ। भैया मान गए भैया तुम्हें वो कटे परेशान हो रहे थे हाँ? अब एक बात बताई अरे भैया अब तो गुल्लक खोल दो सब जुगाड़ कर लिए अपन अब कुछ बचा नहीं है अरे ये हमारा नहीं है टैंकर का है हम सोचे रहे कि या नहीं चलो हले चलते हले 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 निकलेगा चलो चलो भाई दर्द ना बैलो अब बताओ पुन्नु भैया का बाबा का विशेष बंसी भैया हाँ। हमें तो ऐसे लगता है जैसे हम कोनो सपना देख रहे हैं पुन्नु भैया काहे इतना सपना देखते हो तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ बहुत ज्यादा सपना देखते हो हमारी मानो सपना देखना बंद करो और प्रबंध करो प्रबंध थानेदार को पैसा देना है पैसा का समझो अरे बंसी भैया कितना देर लगा दिया खड़े खड़े परेशान हो गए भैया तुम यहाँ खड़े खड़े परेशान हो गए हम ट्रैफिक में परेशान हो गए मुश्किल से आया लेकिन आट हो गए ना अच्छा सुनो हमने गुनिया की पेटी खोलकर जेवर निकाल लिए बहुत बढ़िया काम अच्छा अब ये बताओ अच्छा कोनो दुकान जहाँ हम चुपके से बेच दे फिकर मत करो चलो देखो कितना ट्रैफिक है कहाँ है भैया दुकान ये रही मामा जी की दुकान जय हो बंसी भैया जय हो जय हो अरे पुन्नु भैया ज्यादा ही भीड़ पे मती चढ़ा समझो मान गए बंसी भैया तुम्हें क्या दिमाग पाया है वो तो है समझ गो रिपोर्ट भी लिख गई और हमें जेल भी नहीं होगा अरे हमारे रहते जेल हो तुम्हारे दुश्मन को जेल तो बिल्कुल नहीं होगा तुम और सुनो बुनु भैया ये बात जो है किसी से कहना नहीं ठीक है और तो और यहाँ तक कि अपनी गुनिया से भी नहीं मारे बवाल मचा देगी तुम तो जानते हो ठीक है कहा है कि ये जो रपट है हमारे पास ऐसा हथियार है एकदम धाकड़ हथियार है तोप है तोप जब कोई बाहर वाला पूछेगा कि कुआ चोरी हो गया है तब यही ये रिपोर्ट धर देंगे जाके यही रिपोर्ट दिखा देंगे जाके बिल्कुल कहोगे तो नहीं किसी से नहीं कहेंगे और खास तो हमारी गुनिया से और ही नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं कहना लेकिन बस बस बंसी भैया ये लोन से पिंड छुटवा दो तुम्हारी कसम कहा था कि हम कान पकड़ रहे हैं अब कब भी लोन ले लेंगे समझो पिंड छूट गया कल सवेरे ठीक 10:30 बजे हमारे घर चले आना दुनिया से चलेंगे मैनेजर साहब के यहाँ कहाँ मैनेजर साहब के यहाँ चलो चलो साइकिल आप सब ठीक है हो जाएगी चलो चलो अरे रुको हाँ बैठो हाय हाय लूट गए बर्बाद हो गया हम तो बर्बाद हो गए लूट गए अब क्या करेंगे अरे क्या हुआ सब ले गए क्यों इतना रो रही है काहे हो वल्लम मचा रखी है अरे ले गए क्या ले गए गहने पेटी में से निकाल के गहने पेटी में से निकाल के अरे चाबी कहाँ रखी थी धोती में रखे थे बांध के ससुरा कब निकाल के ले गए पता ही नहीं चला कौन चुराया होगा हा? पता नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे हमारा तो सब सामान लेके चले गए अब हम क्या करेंगे ससुर से तो एक बूंदी नहीं मिली मायके से जो लाए थे ससुर वो भी ले गए देख अब रोने गाने से कुछ नहीं होगा और क्या समझ गई हाँ बड़े शर्म की बात है हमारे होते हुए बाहरी कैसे चोरी कर गया है हाँ? हाँ?
तू तो नहीं लिया ना मम्मी। हाँ हमारी तरफ कहाँ देख रही है, हमने चुराए क्या? मम्मी तुम भी ना हमारी जोड़ू पर चक करने लगी हो। भगवान हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। अब रोने गाने से कुछ नहीं होगा, समझ गई? क्या हो गया भैया? क्या हो गया भैया, तुमको क्या है? जाओ अपने रास्ता, दूसरे के फटी में हाथ डाल रहता है। ए ज्यादा कंझट मत कर, चुप। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोल दे। पैसा लाए हो? नहीं साहब, आप हमारी बिनती तो सुन लो। क्या सुन लो? बिनती साहब। बिनती? पैसा लाए हो? साहब पैसा है कि पैसा तो नहीं लाए, लेकिन अब हमारी बात दरख्वास्त सुन तो लीजिए। अरे किशोर। जी साहब। पानी ला यार। बंशी। हाँ साहब। तुम होश में तो हो बंशीला? साहब कैसी बात करें, हम पूरे होश में, हम थोड़े पी के आए हैं। वो तो कल पिए रहे हैं। हाँ? साहब अरे आज थोड़े। वैसे भी साहब आपसे बस एक ही विनम्र विनंती है। क्या? आप जो है हमारे पुन्नू भैया का जो बीमा का क्लेम बनता है वो जल्द से जल्द करवा। हाँ साहब। अबे ये बीमा का क्लेम कहाँ से आ गया? अब साहब जहाँ कहीं से भी आया आप करवा दीजिए फटाफट बस। हाँ। अरे किशोर पानी ला दो। आओ हमको जल्दी है। आप हिम्मत से काम लीजिए। साहब कुआ तो हमने खुदवाया था। हाँ? हाँ, हाँ। अच्छा तो कुआ क्या चोरी चला गया? हाँ, हाँ। साहब आप तो साक्षात भगवान है भगवान। हाँ? सच में कुआ चोरी हो गया? अच्छा। हाँ? कुआ चोरी चला गया ना? हाँ साहब। तो उसके FIR की रिपोर्ट भी होगी फिर आपके पास? हाँ निकालो जल्दी निकालो। हाँ फटाफट। हाँ ये FIR की कॉपी भी? हाँ साहब। हे भगवान। साहब देखिए ऐसा है कि मामला जो है बिल्कुल एक क्लियर है, आप जो है पुन्नू भैया का बीमा का क्लेम जो है वो जल्द से जल्द करवा दीजिए, फिर ये सब बवाल खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर जो है ना इसको टेंशन, ना हमको टेंशन, ना तुमको टेंशन, सब टेंशन फ्री। का है पुन्नू भैया, समझे नहीं रहे साहब? भगवान इधर कुआं उधर खाई। नहीं नहीं साहब कुछ भी नहीं है, ना कुआं है खाई है। चुप। चुप्पे से निकल लो। हाँ बाबूलाल। अरे मिठाई पैक कर दो, 2 किलो मिठाई। 2 किलो? अरे घर के खातिर, और का लाओ। हाँ, ला मुनिया की महतारी खुश हो जाएगी। तुमको खुश करे? अरे गुनिया के लिए भी 1.25 किलो पैक कर दो। हाँ अच्छा बच्चा खुश हो जाए। अरे कितना हुआ? 200 रुपया भैया। निकालो, सोच कर रहे हो, निकालो। ये करो अभी। तो कमाल का था। 50 रुपये ले लो। हाँ बाकी पुन्नू भैया के हिसाब में लोग तो भले आदमी दे देंगे। चलो हाँ बबुला ले चाय चुसो। अरे शॉपिंग का अपना मजा है पुन्नू। अरे ऑटो ऑटो। अरे रुक जा, चलो बैठो पुन्नू भैया। हाँ चलो चला फटपटी। हर बंसी भैया। हमें तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा काम हो जाएगा। जब विश्वास ही नहीं हो रहा है तो काहे संगे हो लिया अपने? हाँ तुम नापो अपना रास्ता, हम चलते अपने रास्ते। अरे भैया मत जाओ, हमें ऐसे मझधार में छोड़ के मत जाओ। अरे हमको तुम पे विश्वास है लेकिन अपनी किस्मत पे नहीं है ना। काहे अपने किस्मत को कोस रहे, हमारे रहते हैं हम है ना, सब संभाल लेंगे। और हम का कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं, लीडर ही कर रहे हैं, नहीं ना? नहीं पुन्नू भैया हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे, मदद मदद। और तुम हो कि हमारे ऊपर शक किए जा रहे हो, बताओ। अरे गुनिया, अरे बाहर आओ। का है? अब सब काम निपटा के आ गए, अब खाना बन गया तो बैठे। पहले थाने में जाके रपट लिखाओ, हमारे पूरे गहने चोरी हो गए और तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे क्यों भाई, पुरनिया राम यही रहता है क्या? हाँ साहब हमें ही पुरनिया राम है। अच्छा तो चोरी यहीं पर हुई है? हाँ साहब चोरी यहीं हुई है, हमारे सारे गहने चोरी हो गए। गहने चोरी हो गए? अरे रपट तो कुआ चोरी की लिखाई थी। हाँ
तो गहने का कुआं में डाल के रखे थे का? नहीं साहब, पेटी में रखे थे। तो का पेटी कुएं में डाल के रखी थी? नहीं साहब, पेटी। अरे रोना धोना बंद कर यार। अरे रो मत, रोने से कुछ मिला है आज तक? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, हम सब ढूंढ लेंगे। अच्छा ये बताओ कुआं कहाँ पे था? हाँ यही था साहब। यहाँ? यही खोदे रहे, बड़ा मेहनत से खोदे रहे साहब। अरे ये बताओ कि घर में कौन कौन है? हम हैं, हमारे जोरू है और हमारा लड़का है और पतोहू है। हाँ। ए नलुआ, ए सरपति। अरे क्या हुआ? हमरे तरफ का देख रहे हो, हमने चुराए हैं? हाँ हाँ नहीं चुराए, देखो किसने चुराया है और किसने नहीं चुराया है, ये हम पता लगा लेंगे। आप जल्दी पता लगा देना। अरे रो मत, शुरू हो गई। अरे अंदर जाओ, चलो 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 अंदर, चलो हम अंदर चलते हैं। पुरनैया भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। ये कौन है? ये कौन है साहब? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी? हाँ। अच्छा तो भाई कुंज बिहारी ये बताओ कि यहाँ कोई कुआं था? हाँ साहब यहाँ कुआं था, यहाँ ये बड़ा कुआं था। ये बड़ा कुआ था जी साहब। था साहब जब खोदे हम ना, ये भी बेचारा साथ दिए रहा खोदने। अच्छा? हाँ। चलो ठीक है, कुआ था या नहीं था इस बात का पता तो हम लगा ही लेंगे। हाँ सुनो, अभी हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे तहकीकात करने। समझ गए कुंज बिहारी? जो भी है समझ गया साहब, हमारे कुआ मिल जाना चाहिए बस। अब तू काहे खड़ा है, जाना राम राम। अच्छा, राम राम। चलो हम भी खाना वाना खा लें। अरे गुनिया लगा रहे खाना कि यहीं बैठे रहे हैं हम? अरे तो आ जाओ ना, लगा दिए हैं खाना। अरे आ रहे अंदर खाना खाने। अरे झोरवा भी लेके नहीं जाती है। अरे भक्तों को अपने रास्ता दिखाए भगवान, अरे नहाने में कितना मजा आ रहा है। ओ मनमोहर दादा, को अपने रास्ता दिखाए भगवान। ओ मनमोहर दादा, मनमोहर दादा। काहे बे, काहे के चिल्लाते हैं तो बकर बकर जब देखो तब। दादा तनिक सुनो। हाँ सुनो। वो पुरनिया है ना, पुरनिया पानी डाल दिया है। हाँ, कौन ना? वो पुरनिया। हाँ पुरनिया। हाँ पुरनिया। हाँ उसने कुआं तो खुदवाया नहीं। हाँ। उल्टा बीमा कंपनी से क्लेम ले रहा है। कौन है ग्राउंड पे रे? अरे कुआं चोरी हो जाने के ग्राउंड पे। रुक 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 रुक, क्या कहा? कुआं चोरी हो जाने के? हाँ दादा। और दादा अगर उसको क्लेम मिल जाता है तो ये समझो कि लोन फ्री। वही तो। लेकिन ये तो अच्छा धोसा है। है? यही धोसा है दादा। ये बताओ कि कुआं कहीं चोरी हुआ है आज तक? हो सकता है ऐसा कभी? वही तो। ये अपने दिमाग से पुरनिया ये नहीं कर सकता है। हाँ दादा बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो बंसी है ना दादा, बंसी वो है इसके पीछे। वो बंसी चोरवा साला? हाँ। हो वही दादा, इन दिनों आपने बंसी की चाल देखी है ना? ये तो ससुरा कमा रहा है। अच्छा साले, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर सर सर, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? सर कुआं चोरी हो गया। क्या वक्त हो? पता नहीं हो साहब, ये देखिए झोलापुर गांव के बैंक से लेटर आया है, जिस कुएं पे लोन था ना वो चोरी हो गया है। अरे क्लेम मांगा है क्लेम। जरा देखूं। अरे सर अगर ऐसा होने लगा ना तो हजारों केसेस की लाइन लग जाएगी, फिर तो सबके कुएं गायब होंगे, मकान फैक्ट्री सबके सब। हमारी कंपनी घाटे में आएगी सर, फिर हमारी तनख्वाह का क्या होगा? लेकिन शर्मा बाबू, हमने तो कुएं का बीमा किया है। किया है कि नहीं? सर बीमा तो किया है, लेकिन बीमा उस बात का है यदि आपका कुआं धस जाता है, टूट जाता है तो पैसा मिलेगा। क्या आपने कभी देखा है कि कुएं चोरी हो जाए? भाई पहले रूल्स देखो, फिर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है सर, पहले मैं रूल्स देख लेता हूँ। हेलो सर, मैं झोलापुर ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर हमारे यहाँ एक केस आया है। क्या केस आया है भाई? सर एक कुआं चोरी हो गया है। क्या कुआं चोरी हो गया? जी हाँ सर,
सो जेंटलमैन, हमारे बीमा कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाई है। ये एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिस पर हमें बहुत सोच विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम लोगों ने एक कुएं की फाइनेंसिंग के लिए बीमा किया था और वो कुआं चोरी हो गया है। कुआं चोरी हो गया? जी हाँ, कुआं चोरी हो गया है। पुलिस की FIR साथ में है। सो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, अब यहाँ इस मामले में दो पहलू हैं। पहला पक्ष ये है कि अगर ये बात झूठ है और हम 172,000 रुपए जैसे बड़े क्लेम को दे देते हैं तो कुआं गायब होने की बाढ़ आ जाएगी। और अगर ये बात सच है और हम 172,000 रुपए जैसी रकम का छोटा क्लेम नहीं देते हैं तो हमारी बीमा कंपनी की बहुत बदनामी होगी। अब मेरी गुजारिश है कि इस विषय पे आप सब सोच विचार करें और अपना निर्णय लें। मुझे लगता है कि सलाह मशवरे का दौर अब पूरा हो चुका। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का निर्णय क्या रहा। सर, हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अगर हमने क्लेम दिया तो हमारी कंपनी पर बड़ा संकट आ सकता है, लिहाजा ये मामला कोर्ट में देना चाहिए। सर्वसहमति? यस सर। यस सर। यस सर। ऑर्डर ऑर्डर, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये वो आदमी है जिसका कुआं चोरी हो गया है। इसकी भोली भाली सूरत पे मत जाइएगा जज साहब, ये बहुत ही चालाक और शातिर किस्म का आदमी है। जज साहब, इसने बैंक से कुआं खुदवाने के नाम पर लोन लिया और सारा का सारा पैसा अपने बेटे की शादी पे खर्च कर दिया। अब जब इसे ये पता चला कि बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए इसकी जमीन कुर्क कर सकती है तो इसने एक चाल चली, ऐसी खतरनाक चाल चली जज साहब, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जज साहब कि इसका कुआं चोरी हो गया। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, आप ही बताइए, क्या कभी कुएं जैसी चीज भी चोरी हो सकती है? और अब ये शख्स उस पैसे के लिए जिसे इसने अपनी अय्याशी में उड़ा दिया है भरपाई बीमा कंपनी से करवाना चाहता है। जज साहब, अगर बीमा कंपनी इस किस्म के झूठे मुकदमों की भरपाई करने लगेगी तो एक दिन बर्बाद हो जाएगी और हजारों लाखों गरीब किसान उसका फायदा उठाने से महरूम रह जाएंगे। दैट्स ऑल सर। मिलॉर्ड, अभी हमारे बीमा कंपनी साहब ने जो जिरह की, जो भी माननीय न्यायालय को बताया वो सब झूठ था, बेबुनियाद था। सिर्फ बीमा कंपनी को भरपाई से बचाने का एकमात्र प्रयास था। महोदय, मेरा मुवक्किल पुरनिया राम पूरी तरह निर्दोष है, इसलिए इसे बीमा कंपनी से लाभ मिलना ही चाहिए। कैसे, मैं बताता हूं। ये बेचारा मेहनतकश गरीब किसान है, हालांकि इसने कुआं खुदवाने के लिए लोन लिया था, लेकिन यह भी सच है उसी समय इसका लड़का शादी के लिए जवान हो चुका था। शादी तो उसने की, अगर वो उचित समय पर शादी नहीं करता तो वो रेप करता, समाज में गंदगी फैलाता और लोगों की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलता। महोदय, पुरनिया राम ने ना केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा बल्कि उन पर अमल भी किया। महोदय, इसने अपने लड़के की शादी भी की और साथ ही साथ कुआं भी खुदवाया। और महोदय, इस बात के पूरे प्रमाण आपके पास हैं। इसने लोन से मिले सारे पैसों का उपयोग कुआं खुदवाने में ही किया, ना कि शादी में। ऑर्डर ऑर्डर। अब इस बदनसीब को क्या मालूम था कि एक दिन इस बेचारे का कुआं भी चोरी हो जाएगा। महोदय, कुआं चोरी हो गया, अब कैसे चोरी हुआ, किसने चुराया, कब चुराया, इसे नहीं मालूम है। ये काम पुलिस का है, पुलिस पता लगाएगी इसका कुआं कैसे चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, किसने चुराया, वगैरह वगैरह। और महोदय जी, पुलिस ने कुआं चोरी होने की बात मान भी ली है, इस बात के प्रमाण आपके पास हैं। अब सवाल ये उठता है महोदय कि पुरनिया राम के हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी ही क्यों करे। तो श्रीमान, इसलिए क्योंकि लोन लेते समय हमारे माननीय बैंक मैनेजर ने ही कुएं का बीमा किया था, जिसकी किस्त भी पुरनिया राम से जमा करवाई गई। और फिर बीमा होता किस लिए है महोदय,
अब बीमा कंपनी ये कहे कि कुआं चोरी कैसे हो सकता है? चोरी हो गया। तो महोदय जी, आज के इस हाईटेक युग में क्या नहीं हो सकता है? समुद्र से जमीन चुराई जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह बिल्डिंग खिसकाई जा सकती है, तो कुआं तो एक बहुत ही मामूली सी चीज है महोदय जी। बस महोदय, मेरा आपसे इतना ही कहना है। जज साहब, ये पूरा प्रकरण इतना सीधा साधा नहीं है जितना मेरे काबिल दोस्त वकील सफाई ने अदालत को बताया है। एक पूरा रैकेट है, नेटवर्क है भ्रष्टाचार का। बैंक मैनेजर साहब ने कुआं खुदवाने के लिए लोन दिया, क्या इन्होंने जांच की कि वो कुआं खुदा भी है या नहीं? जी नहीं जज साहब, मालूम है क्यों? क्योंकि इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब था। बैंक का लोन तो ये डंडे के जोर से भी वसूल करवा सकते थे। दरोगा साहब, जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध कर कुआं चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज की, क्यों जज साहब? क्योंकि इनके घर भी बहुत मोटी रकम पहुंचा दी गई थी। जज साहब, इन्हें कोई पैसा दे तो ये तो लाल किला चोरी होने की रिपोर्ट भी लिख लेंगे, देखेंगे नहीं जाकर के लाल किला चोरी भी हुआ या नहीं। जैसा कि मैंने अदालत को बताया, ये प्रकरण पूरा का पूरा जालसाजी का है, जिसमें बीमा कंपनी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम पुरनिया को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि देश की किसी और अदालत में आज के बाद कोई ऐसा झूठा मुकदमा पेश करने की हिम्मत ना करे। That's also. Order, order. मामला गंभीर है, इस केस की सुनवाई अगली तारीख के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हुआ, काहे ऐसी मुंह लटकाए बैठी है? तो क्या करे, जाके सरबती का गोड़ दबाए। क्या हुआ सरबती को? अरे इनको क्या होगा, भगवान ऐसी पतवू दुश्मन को ना दे। घर का खाना हम पकाए, कपड़े लत्ता हम धोए, झाड़ू हम लगाए, ओ महारानी खाना खाएगी और कोठरिया में घुस जाएगी। हम तो परेशान हो गए, सोचा था पतवू आएगी घर का काम वाम करेगी, किस्मत ही खराब है हमारी। किस्मत ही खराब है, देखो हमारा दिमाग खराब मत करो। ऐसे ही हम बहुत परेशान हैं। शादी करने के लिए तुम ही ने कहा था ढलवा का ब्याह कर दे, ढलवा का ब्याह कर दे, मिल गई पतोहू की खुशी। अच्छा पेशी कैसी रही? का होगा, फंस गए, एकदम बुरे तरीके से फंस गए भाई। काहे? भगवान की कृपा है, जो वकील हमें बहुत अच्छा मिल गया, और वो बीमा कंपनी वाला वकील भी कोई कम खतरनाक नहीं है। जब वो बोलने लगा तब तो हमें ऐसे लगा कि बस अब तो हमें जेल हो ही जाएगा। जब हमारा वकील बोलने लगा ना, तब लगा कि सही है, हम एकदम निर्दोष हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ गुनिया, एक बात है, मुकदमा के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। किससे लोगे कर्जा? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, किससे ले कर्जा, कहाँ जाए, क्या करे। बस कल सवेरे बंसी भैया के यहाँ जाएंगे, वही जुगाड़ करेंगे। अच्छा चलो बिहारी कर लो, चलो आओ। इस मुकदमे के चक्कर में खेती बाड़ी सब बिक जाएगी। खेती बाड़ी गई तो क्या करें, फंस तो गए हैं, और ऐसे ही तुम्हें के कहने से फंस गए हैं एकदम। अच्छा आ जाओ अब अंदर। आ रहे हैं, अब तो खाए के भी मन नहीं करता, भूख मर गई एकदम। अरे काशी हिले, पटना हिले, बलिया हिले, लाए फुन्नू भैया कहाँ किधर? हाँ? अरे बंसी भैया, हाँ? हम तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। अरे मर्दा रुक जा। हाँ? का है? का भावा? का है इतना परेशान हो? बंसी भैया, तुम कहे थे ना पैसे के इंतजाम कर लो,
हाँ तो होएगा इंतजाम? अरे नहीं, अब तुम ही कुछ करवाओ बंसी भैया, हमारे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। भैया अब कहा बताई, कैसे करें हम इंतजाम? भैया एक कई जुगाड़ है, उन्हों भैया वो जो तुम्हारी जमीन है वही का गिरवी रखते हो, बस वही एक चारा है, जमीन गिरवी रखते हो। अब भैया 1-2 हजार का मामला तो है ये नहीं, हम ही दे देते 10-20 हजार का पात है, भैया हमरे लेके पैसा होता तो हम खुदे दे देते, तुमको भला जरूरत पड़ती बोलने की? भैया कैसे होई जुगाड़? भैया ज्यादा सोचो नहीं। ए पुनु भैया, पुनु भैया, ए पुनु भैया, अरे कहाँ चले गए पुनु भैया? अरे हाय, कौन ले गया कजरिया को? कजरिया कहाँ चले गई? कौन खरीदार कहाँ ले गया हमारी कजरिया को? अरे ओ कजरिया कहाँ? अरे क्या हुआ, तू कहाँ इतना चिल्ला रही है? हैं काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? किडनिया फेल हो जाएगा तो और मुसीबत हो जाएगा। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ हुआ बता रही, कजरिया कहाँ चले गई है? अरे कजरिया, अरे कजरिया रस्सी तोड़ के कहाँ भाग गई? खूटा तो यही गड़ा है। अरे तुम लोग कहाँ जाते हो? अरे ढलवा कहाँ है? गया है ढूंढने। कौन साइड गया है? अरे हमको कहाँ मालूम कौन से साइड गया है, खुद ही ढूंढ लो, हम तो परेशान हो गए। अरे अरे अब काहे रो रही है? रोने धोने से नहीं मिलेगी कजरी। अरे चुप चुप बोलो, नहीं मिले तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे का बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद तो पहले हो चुके हैं, बर्बाद कर दी है। हाँ बिहा करवा दे डलवा का, बिहा करा दे डलवा का। ले हो गया बिहा, लोन ला रहा है वही में बिहा हुआ है लो। हैं अब तो बंसी भैया भी बोल दिया है कि जमीन जमीन बेच के भी लोन चुकाना पड़ेगा, पूरा तरीका से बर्बाद करके रख दिया है। अब कहता बर्बाद हो गए, ढूंढे चुप, रोना नहीं तो दे देंगे। कजरी हमारी प्यारी कजरी भी गई, जा रहे ढूंढ रहे हम। अरे कहीं भी तो मिला दे हमारी कजरी को। अरे कजरी, अरे बकरी बस दिख रही है रे, हमारी कजरी नहीं दिख रही है। अब तो झूठ वूठ भी नहीं बोलेंगे, हमारी कजरी मिला तो बस। हाँ भाई हम कब से ढूंढ रहे कजरी, कजरी कहाँ गई, न जाने कहाँ गई हमारी प्यारी कजरी, कजरी। अरे कहाँ गई रे मेरी प्यारी, मुझे छोड़ के चली गई रे। कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सौगन खाते हैं हे भगवान, हम तुम्हारी सौगन खाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे जाके हम कह देंगे साहब हम कुआ नहीं खोदे थे, ढलवा के बिहार में खर्चा कर दिए, सब बता देंगे। आ, आ, कजरी, हमार कजरी मिल गई, मिल गई, मिल गई, हे भगवान हमारी कजरी कहाँ चली गई थी? आ? अरे ढूंढ ढूंढ के हम कितना परेशान हो गए थे रे मेरी कजरी। आजा आजा, कितना परेशान करके रख दी थी, आओ आओ आओ। ला 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 ला, प्यारी कजरी का करूँ भाई। पुरनिया राम, अरे तुम्हारे दिमाग में खुराफात आई कैसे? वो हमारी कजरी गुम हो गई थी। कजरी कौन? भैंस। अरे भैंस तो मिल गया ना, बंशी बताए है। हाँ मिल गई। तो फिर? लेकिन बहुत ढूंढे हम, मिल नहीं रही थी, कहाँ बहुत भी जंगल में निकल गई थी, चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो गया था, सोच रहे थे हमारी कजरी प्यारी कहाँ चले गई, तभी हम भगवान को याद किए और कहे कि हम झूठ बोले, इसीलिए हमार कजरी खो गई है। और भगवान से हम कहे कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। जैसे कहे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। और हमार कजरी हमारे सामने आके खड़ा हो गई। अरे तुम झूठ कहाँ बोले हो भैया, तुम सच्ची तो बोले हो? अरे तुम्हारा कुआं चोरी गया ना, ये तो सच्ची है ना बंशी, गया ना कुआं?
कुआं चोरी गया ना? अरे वो तो हम झूठ बोले थे ना पहले। अरे तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है पूर्णिया आराम, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, खराब समय जाने वाला है। बंसी से जाओ यार। क्यों रे? अरे साहब, अरे साहब, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे साहब, साहब यहाँ बैठा है हाँ? साले तूने मेरे दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी है। बोल गांधी बाबा का भूत घुसा कहाँ से तेरे अंदर? अरे साहब, अरे साहब, शांति से काम दो साहब। समझो यार। अरे प्रदीप कुमार खरे साहब, आप समझे नहीं रहे, हमने बताया था आपको, बेचारा गरीब आदमी है, मरमरा जाएगा। अरे शांति से काम दो, जो पूछना। साले अब मैं तेरे को भी देख लूंगा। हाँ? ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, बोल बोल के तूने ही एफआईआर कराई थी ना इसकी। पूर्णिया राम जरा सोच समझ के बात करो, थानेदार साहब गुस्से में है। अरे हम झूठ नहीं बोलेंगे, कह दे रहे हैं। अरे हम झूठ बोलेंगे तो हमारी भैंसी फिर से गुम हो जाएगी। अरे भैंसी भैंसी भैंसी, अरे भैंस का इससे कोई संबंध नहीं है। अरे है भैंस फिर खो जाएगी, खो गई थी भैंस। हाँ भैंस गुम हो गई थी तेरी है? अरे ये तो साला तेलगी का भी बाप निकला। ये तो साला कभी कुआं चोरी, कभी गहना चोरी, और अब तेरी भैंस चोरी। अबे साले ठग कहीं के। अरे अरे जाने दो साहब, मामला बिगाड़ का है। अरे शांति से काम दो साहब। अरे समझ जा। अरे तुम लोग काहे नहीं समझ रहे, हम कह दिए ना कि भगवान से मनौती मांगे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, ज्यादा करेंगे तो दे देंगे। मनौती मनौती तेरी मनौती साले, मनौती कहीं के तेरी मनौती मैं बताता हूँ। चल साले पटवारी साहब, बंशी हम खुद उतर जाएंगे। इसको कहाँ ले गए? अरे इसको कहाँ ले गए? आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पुलिस अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करने दो, बहुत काम है। जाने दो साहब, हम जा रहे हैं। देखो आओ बैठो, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। कहाँ रह जाते हैं? अरे ओ ढलुआ, ओ ढलुआ। क्या हुआ? क्या है मम्मी? अरे जा बिटवा देख करा, तुम्हारे पापा कहाँ रह गए? भैंस लगाने का समय हो गया, कहीं बंसी भैया के वहां तो नहीं चले गए? अच्छा जाता हूँ। कहाँ चले जाते हैं ये भी? कितना अच्छा लग रहा है, काहे देख क्या रहे हो? खाओ ये खड़े, बहुत बढ़िया लग रहा है, टेस्टी है। अरे चाचा हा? आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, घर पे ढूंढा, अरे कहाँ चले गए थे आप? अरे ढलुआ काहे इतना छटपटा रहा है हा? कब है बोल? अरे चाचा पापा कहाँ है? पापा आए नहीं डैडी अब तक? अभी तक आए नहीं है, भैंस बांधा बाकी है। अरे तो तू काहे परेशान हो रहा है खोकटे में हा? भैंसिया को किसी और को कह दे लगाने। हाँ ठीक है, ठीक है, रुक है। तू खुद है बड़ा हो गया है, खुद का ही नहीं सीख लेता। हाँ। हाँ। और सुन महतारी है घर है? हाँ, है। और सुनो भौजी को बोल दो पुन्नू भैया बाहर गए हैं, दो चार दिन आ जाएंगे। शहर गए काय के लिए? अरे कौन सरकारी काम काज है, मुकदमा का चक्कर है। हाँ। आ जाएंगे आठ दस दिन में। आठ दस दिन में? अभी तो कह रहे थे दो चार दिन में आ जाएंगे। अरे तो तू काहे इतना चुचवा रहा है? तो वैसे ही देख बेसहूर मर हा? मुकदमा का चक्कर है, टाइम लगता है, सरकारी काम काज है, समझो काहे। आ जाएंगे पापा तुम्हारे। और फिर शादी हुआ है तुम्हारा, ताजा ताजा ब्याह हुआ है, देखो देखो कैसे लजा रहा है। जाओ जाकर लुगाई के पास जाओ, अच्छा ही है। डैडी बाहर तुम भीतर, बनाओ दिवाली, जलाओ फुलझड़ी, जाओ। अरे भैया अगरबत्ती दे। क्या करोगे अगरबत्ती? जलाएंगे और क्या, तुम सुंगोगे? खुद तो चले गए, अब मैं भैंस को देखूं या घर का तौरा करूं? पहले भैंस को देखो फिर घर का तौरा करो, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई है, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई है, बस काम ही करते रहो। ऊपर से एक पतहू मिली है। क्या कर रही हो भौजी? अरे पिंडा पाड़ रहे हैं अपने बदार का। अरे अरे ऐसा कहे कह रही? हमें काम करने दो। पुन्नू भैया कहाँ गए? जहाँ हूँ मजा मारत है। मजा मारत कहाँ? कोई नाती दायरे में गए हैं?
अरे अरे भौजी, ये क्या कर रही हो? ये हमें करने दो भौजी, ये तुम्हारे बस का नहीं है, हम कर देते हैं। अरे दूर होके बैठो। अरे ये बैठ के, ये लियो ये लियो। भौजी, ये पुन्नो भैया गए कहाँ हैं? अरे कल सांझे से नहीं लौटे हैं। सांझे से? ये कल रात में नहीं आए का? अरे 8-10 दिन तक ना लौटेंगे। 8-10 दिन? ये कौन बताया? अरे कौन बताएगा, बंसी भैया बताए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बंसी भैया। तो ये बताइए, 8-10 दिन कहाँ तक, कहाँ जाएंगे? अरे वो कोनो सिलसिले, मुकदमे के सिलसिले में शहर गए हैं। शहर? भौजी एक बात पूछे। हाँ। ये मुकदमा कहाँ है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे भैया, कुआं खो गया, उसकी रपट लिखाने गए। अरे कभी ऐसा होता है का कि कुआं खो जाए? ऐसा नहीं होता, लेकिन अब शायद हो ही जाए। का मतलब? मतलब ये भौजी कि आज के युग में का नहीं हो सकता, सब हो सकता है सा। फिर मन बहुर के होते नहीं हो सकता। अरे भैया वो कम थे, अब तुम हूँ शुरू हो गए। अरे भौजी, ऐसा भौसा तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा भौजी, तो हम चलते हैं। जयराम जी की जय राम। अरे ओ कजी, अब तू तो खा ले, देखा। अरे ओ महारानी, घर से बाहर निकलेगी कि नहीं? चल देखो, कुटरिया के अंदर ही घुसी रहती। हाँ वकील साहब, हाँ उसको समझा दीजिए। जी जी बिल्कुल, लेकिन अगली पेशी पे जरूर लाइएगा, अरे वरना सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। हाँ 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 हाँ, अच्छा अभी रखता हूँ मैं। ठीक है जयराम। जयराम जी की दरोगा साहब। जयराम जी की। वो हमारे पुन्नू भैया कहाँ है? घरवाली बड़ी परेशान है, उनका लड़का भी परेशान है। अब किसी को कोई दिन दहाड़े उठा के ले जाए और मार के फेंक दे तो घर वाले परेशान होंगे ही। अरे किसको मार के फेंक दिया रे? अरे तो पुलिस में रिपोर्ट कराओ ना भैया। नहीं है विश्वास पुलिस पर? क्यों भैया? ओ यार, पुलिस पर विश्वास है क्या? हाँ, अरे वो क्या कहते हैं कि पुलिस वाला दिन दहाड़े किडनैप कर लिया पुन्नू को, उठा कर ले गया, क्या पता मार डाला हो। अब ऐसा नैसन पुलिस वाले हैं इस देश में तो भगवान है मालिक है इस देश का। सुनो भैया एक और बात सुनो। दरोगा जी, पब्लिक भी चिल्ला रहा है साला, रोको उसको। हमारी बहन बेटी की तो बची रहेगी, सबको उठा ले जाएंगे। अरे मनमोहर भैया, देख लियो इधर तो आओ। मनमोहर भैया, आप तो ऐसा मजाक करते हो कि मजाक लगता ही नहीं है साला। मजाक है? अब ऐसा पब्लिकली चिल्लाओगे तो लोग तो सही समझेंगे ना। अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक काम करो आप, ये पान गुटका थोड़ा सा कर लो और थोड़ा ध्यान रखो हमारा। और ऐसे चिल्ला चोट नहीं करते भैया, थोड़ा पब्लिकली चिल्लाते नहीं है, जो बात करना है शांति से करो ना मेरे से आके। ठीक है ठीक है दरोगा जी, सब ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नमस्कार। कहाँ चले गए थे साहब? गुनिया कहीं जा गंगा नहा ले तो हम चले गए थे हरिद्वार। इतने दिन कहाँ रह गए थे? कार्रवाई शुरू की जाए। जी सर, जैसा कि आपने इसे पहले वाली पेशी में कहा था कि मामले की पूरी तरीके से छानबीन की जाए, तो छानबीन हो रही है लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मिलोर्ड, मुझे कुछ कहना है। यह मामला शीशे की तरह एकदम साफ है। यह गरीब किसान, लाखों रुपए लेकर इसने कुआं खुदवाया, बस दुर्भाग्य इसका कि कुआं चोरी हो गया। अब इस हालत में बीमा कंपनी को चाहिए कि उसका हर्जाना भरे ताकि ये कर्ज के बोझ से उबर सके। महोदय जी, आपको तो मालूम ही है कि हमारे देश में साल दर साल कितने ही किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो महोदय कि पुरनिया राम को भी आत्महत्या करना पड़े। मिस्टर बचाओ वकील, आप न्यायालय पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो पुरनिया राम के पक्ष में फैसला दे दे। महोदय जी, मैं तो सिर्फ दलील दे रहा था। अपनी दलील अपने पास रखिए।
कुआं कैसे चोरी हो सकता है? आप बताइए। आज के इस हाईटेक युग में कुछ भी हो सकता है महोदय जी। झोलापुर इतना हाईटेक भी हो गया? झोलापुर या भ्रष्टाचार हाईटेक हो गया? ऑर्डर ऑर्डर, मैं पुलिस को पूरी जांच के आदेश देता हूं कि अगर सचमुच में कुआं चोरी हुआ है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। अगली पेशी की तारीख तक कोर्ट मुलतवी किया जाता है। अरे गुनिया, ओ गुनिया, अरे ढलुआ, अरे सब कहाँ रह गए, सुनते नहीं है, इतने दिन बाद आए। आ गए तुम, कहाँ चले गए थे बिना बताए? ऐसे कोई जाता है घर छोड़ के? अरे अब का बताए गुनिया, बड़ी मुसीबत में फंस गए रहे हम। पता नहीं हम भगवान का का बिगाड़े रहे जो ये दिन दिखा रहा है। अब हमें गुनिया ये समझ में नहीं आता कि हम का करें, बताओ। अरे अब का हो गया? अरे का हो गया, बताते हैं क्या हुआ। तनिक हम हाथ पांव सीधा कर ले। लाओ हम दबा देते। अरे हाथ पांव बहुत दर्द हो रहा है। इतना परेशान हो गए भैया। ढलवा नहीं है घर में? नहीं है। आ? वो भी ससुरी जहाँ नहीं वहाँ घूमते रहता, घर में नहीं रहता। भैया सुस्ता रहे हो, इधर भौजी से पैर दबवा रहे हो, उधर तुम्हारा बेटिंग हो रहा है, अब हम हवा भी दे दे। अरे क्या कर रहे हो सब जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो बंसी भैया? अरे कुछ जरूरी काम है। अरे टेंशन में ना आना, आते हैं अभी। आई लव यू बोल दो भैया। हाँ आई लव यू। अरे कहाँ कर रहे हो? हम का सेम टू सेम है, एक का बात है। चल चलो। काहे बुला ले? चलो चलो ठीक है। अरे साहब क्या सोच रहे हैं? देख पुर्णियाराम, एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल? हाँ। क्यों? अरे लोन भी तो तूने लिया है। तू जेल जाएगा ना तभी सब बचेंगे, वरना सब फंसेंगे। अरे आप लोग हमें सब लोग मिलकर बलि के बकरा बनाए। और नहीं तो क्या? अरे साहब लोग काहे अब अपने पन्नू भैया को खोखटे में फंसा रहे हो आप सब लोग मिल करके, इसको छोड़ दो। अरे तो लोन लिया है ना इसने, जालसाजी भी की है कि नहीं है? पटाया भी नहीं। अरे पैसा तो इन्हें लिया। हाँ। तो क्या 4,000 रुपट्टी में नौकरी लेगा क्या मेरी? अरे 4,000 नहीं, हम तो 10,000 रुपया दिए थे। मैं तो क्या साफ झूठ बोल रहे हैं? अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बंसी भैया बताओ। अरे अरे हम किसी को आज तक बताया नहीं है कि हमने जो हमने गुनिया के जेवर बेच के 10,000 रुपया लाए थे। और गुनिया भौजी को पता भी नहीं इस बात का। अरे सुनो 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 सुनो, एक काम हो सकता है इसका, एक काम हो सकता है। पुर्णैया तुम यदि अपने खेत में रात भर में कुआं खोद दो और कुआं जो है पुर्णू भैया के खेत में से बरामद कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, उसमें तो फंस जाएंगे। एक मिनट मैं सोचता हूं। हाँ अब इसमें एक काम कर सकते हैं, कुआं पूर्णिया राम की खेत के बजाय मनमोहर की खेत में खोद डालते हैं रात भर में, अभी मामला जमेगा। इसको क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है? पुन्नु भैया काहे रो रहे हो? अरे हम एक रात में कैसे कुआं खोद सकते हैं, अब बताओ ना बंसी भैया। पुन्नु भैया काहे रो रहे, छुपा जाओ, चुप। पुन्नु भैया हम है ना, हम संभाल लेंगे, रो ही जा रहे हो। अरे देखो पुन्नु भैया, एक कई रात की तो बात है, बस फिर एक कई रात में कुआं खुदवा लो, बस फिर देखो क्या होता है, और फिर पूरा गांव भी तो है हमारे संगे। हाँ हम तुम बुनिया भाऊजी ढलवा ढलवा की जोरू पूरा गांव मिलकर के खोदेगा कुआं। अबे ओए तू साले चूतिया का चूतिया ही रह जाएगा,
सारे गांव वालों को बुलाएगा, सब फंस जाएंगे। देख पूर्णियाराम, तेरे को अकेले को कुआं खोदना है ना? उससे हम सब भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगा, जेल जाने से बच जाएगा, समझा? अरे तब तो हम एक रात में कुआं का, हम तो पूरा समुद्र ही खोद देंगे। अरे जल्दी खोद रे डलवा, अरे जल्दी जल्दी खोद, एक रात में कुआं खोदना है। अरे खोद रहे हैं ना भाई, अरे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अभी तो शुरू किया है ना। अब हमसे नहीं खोदा जा सकता। अरे तेरे से कहा नहीं खोदा जा सकता, अरे तेरे ही कारण तो सब हुआ है, अरे शादी हमारी हुई है। अरे बेटा लल्ला, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम तुम समझो, तुम्हारे लिए हम जींस ले देंगे दो चार। जल्दी करो, खोद बेटा, खोद 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 लल्ला। और तू कहाँ खड़ी है? भी फूल करा देना। कराए देंगे टंकी फूल। अरे दरवाजा, अरे क्या? ये खेत तेरा ही है ना? हाँ है? हाँ ये खेत मेरा है। ये खेत तेरा है? हाँ। और ये कुआं? ये कुआं मेरे खेत में कहाँ से आ गया? जब खेत तेरा है तो कुआं भी तेरा हुआ ना। लेकिन मेरे खेत में क्यों आया? ये है पुरनिया राम का कुआं, तेरे खेत से बरामद किया है, दूध चोरी करके लाया वहाँ से। मुंशी जी करवाओ इसे दस्तखत। हाँ साहब बिल्कुल। कुआं इसके खेत से बरामद हुआ है पुरनिया राम का। कुआं? साहब जी गवाह? गवाह साहब गवाह, अरे हम ही तो देखे थे। हाँ गवाह, अरे हम ही तो देखे थे। कराओ इसे दस्तखत, कराओ कराओ दस्तखत। गवाह चोर कप्तान, चल दस्तखत कर। कर दस्तखत, साइन करो, सिग्नेचर करो। बहुत चला लिया अपना मन। अरे टटपुजिया नेता, बहुत बड़ा दस्तखत करते हो। लाओ लो, ले बहुत चला लिया अपना मन। मन बहुत पाटिल जी साहब, पूर्णिया राम कुआं चोरी केस को दर्ज करिए। कुआं मनमोहर राम के खेत में बरामद जी साहब, और चोर मनमोहर गिरफ्तार। साहब जी साहब, साहब साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? साहब हमारी भी तो अरज सुनिए, आप ही के फायदा है। पुन्नू भैया, हाँ पुन्नू भैया, थानेदार साहब ने उसे 2,00,000 रुपया लेके मनमोहर को खुला ही छोड़ दिया। अरे अब क्या होगा बंसी भैया? अरे होगा क्या, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको तो यही डर है कि वो मनमोहर ससुरा कहीं तुमको उल्टा ही ना फंसाते इन सब। अरे राम राम, अब क्या होगा बंसी भैया? कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, क्या उपाय, कुछ तो उपाय निकालो यार। बड़े तरीका से फंस गए यार। अब हम क्या करें और तुम भी क्या करोगे? अब तो एक का ही चांस है, हम यह अन्याय नहीं होंगे, ईट से ईट बचाते। पुन्नू भैया चलो चलो हमारे संग। अरे कहाँ? अरे कहाँ जाएंगे बताओगे? पुन्नू भैया पूरे गांवन के भीड़ को जमा करेंगे, फिर देखो तमाशा। चलो चलो, अरे हमारे गांव वाले से भैया बंद करो फैमिली ड्रामा। पुन्नू भैया पूरा गांव हमारे संग है, देख रहे हो? देखो मैं कहा था ना, आओ भाई लोग हमारे साथ। बाबूलाल आओ हमारे संग। हाँ देखो भाइयों, आप सबको हमारे साथ आना है, ठीक है? क्या आप लोग हो हमारे साथ? बोलो भाइयों, पूर्णिया पर आना।
बे क्या बात है? देखिए साहब, अब बहुत हो गया है, पूर्णिया पे अन्याय हम नहीं होने देंगे। अन्याय? कैसा अन्याय किया बे? हैं? अबे इसका कुआं तो बरामद करवा दिया ना साहब। कुआं बरामद हो गया है, लेकिन पूर्णिया को अब तक मिला तो नहीं। अबे उसकी झूठी रिपोर्ट तो सही साबित हो गई ना, अब ये साला कुआं कैसे वापस करूं? कैसे करूं मतलब, जैसे चोरी हुआ वैसे वापस कर दीजिए, और का? कैसी बात कर रहा है, है? ऐसा कभी हो सकता है? देखिए साहब, हम बात साफ कर रहे हैं, हमको अब सब कुछ पता चल गया है कि आप सब साहब लोगों के बीच में क्या साठ गांठ है, क्या मिली भगत है, सब कुछ पता चल गया है। दूध का दूध, पानी का पानी। और साहब, ये जो आपकी बीमा कंपनी की नौटंकी है ना, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। देखिए थानेदार साहब, अब बहुत हो गया, उस मनमोहन चोरट्टे को बुलवाइए और पुरनिया का कुआं दिलवाइए। और साहब, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कृपया करके डीएसपी साहब को बुलवाइए, अब उन्हीं के आगे गुहार होगी। कहे? अरे बंसी भाई, काहे नहीं तैयार रहे हो यार, है? बात करते हैं हम, हैं? जरा आओ ना अंदर, हैं? एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे बंसी भैया, अब काहे इस बात पे अड़े हुए हो, अब कुआं कैसे खींच के लाएगा थानेदार साहब? भैया आप हो एकदम सीधे आदमी, आप क्या जानते हो? अरे थानेदार साहब, हम बहुत ही गरीब आदमी हैं। साला गरीब आदमी? ए पाटिल। जी साहब। जा मनमोहर को उठा के ला। जी जी जाओ। अरे हमारी बाइक से चलो, जरा जरा हटना रे। जाओ जाओ, लेके आओ उसको जल्दी से। गांव वालों, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। थानेदार साहब कहाँ है वो लोग, भाओ जल्दी। भाई बंसी भाई, अरे कब आएंगे सारे फसार की जड़? ये देखो आ गए। आओ मैनेजर साहब, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। बात क्या हुई बताएंगे भी? वो देखो आ गए, ले पकड़ के। ए बस 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 रुक। अबे मनमोहर, ये पुरानी आराम का कुआं वापस कर। क्या साहब? क्या साहब क्या? साले चरट्टे, अरे खुदे तो पुन्नु भैया का कुआं चुराया था ना, अब दे वापस। पर कैसे? अरे कैसे का, थोड़ा अपनी भी बुद्धि लगाओ। लगाओ? हाँ, अरे सोच, जैसे ले गया था वैसे ला के दे दे। देखिए साहब, हम तो कुआं लाए नहीं है, और कैसे कुआं आएगा हम नहीं जानते। अरे कैसे बात कर रहा है ये? आप लोग जो करना है करते रहिए। ये चरट्टे काहे पकड़ 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 किए जा रहा, खुदे चुराया था ना। हाँ, और जिन लोगों को बुलवाया था, हाथ लगवाया था, उन्हीं लोगों को बुला वापस, और उन्हीं लोगों को बोल लगा हाथ और ले आए। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। आओ भाइयों, तुम लोग भी आओ, हाथ लगाओ, शायद कुआं वापस आ जाए। आओ देखो। अरे कैसे बात कर रहा है, देखो देखो चोरट्टे, छुपा जा छुपा जा। मन बहुत बहुत कर लिया मन का पकड़ पक पकड़। हाँ देख, तूने ही चुराया था ना कुआ, और फिर कबूला भी था, रजिस्टर भी हो गया था, रपड़ भी लिख दिया था, हाँ, और दस्तखत भी किया था। ये अबला। लेकिन साहब, ये हमसे नहीं हो सकता। अबे हो कैसे नहीं सकता बे साले, फिर से लॉकअप में बंद कर दूं तेरे को? हैं साले, मेरे प्राण कंठ में फंसे हुए हैं, और तू बोलता है कि तेरे से नहीं हो सकता? हैं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बचो, कैसी बात कर रहे हैं माने? अरे देख, ज्यादा चपर चपर मत कर, समझे हो? और सुन साहब, यही है खड़े हैं, बंद कर देंगे यही खड़े खड़े, समझे? हाँ। फिर जेल में सड़ता रहेगा, जिंदगी भर चक्की पिसता रहेगा, समझे हो? हाँ, हाँ, समझ ले। पुन्नू भैया का कुआ अगर नहीं लौटाया तो वो सींचेगा कैसे? और अगर सिंचाई नहीं होगी खेत में तो फसल कैसे होगी? और अगर फसल की बढ़ोतरी नहीं होगी तो वो लोन कहाँ से देगा? और अगर लोन नहीं देगा तो भैया समझाओ। अरे भैया समझाओ, इन्हें लोन तो चुकाना पड़ेगा भैया, लोन तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं लोन चुका दूंगा। बताइए कितना हुआ? 1,72,000 रुपया। क्या? हाँ 1,72,000 रुपया। 1,72,000? हाँ। ट्रांसफर कर दूं?
देखो देखो कैसे बोलती बंद हो गई। ठीक है साहब, कर ही दीजिए। अरे वाह, चलो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अरे बंसी भैया, एक और लोन ले ले। हाँ?